हेलो हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है? हाँ हेलो, हाँ मैं घर से ही बोल रहा हूँ। हाँ आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, कैसा कैसा आ रहा है, रोबोट जैसा? भाई मैंने नया TWS खरीदा है, पता नहीं ऐसा क्यों आवाज़ आ रहा है। अभी अभी सुनाई दे रहा है ठीक से? हाँ अभी तो मैं मुँह के पास लेके बोल रहा हूँ, सुनाई तो देगा ही यार, बट ऐसे थोड़ी चलेगा। बट ये TWS से साउंड तो बहुत अच्छा आता है यार, अब कॉलिंग ऐसा क्यों हो रहा है आपको पता नहीं, पैसे वेस्ट हो गए। अभी क्लियर है? अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मैं मेरे पास नेक बैंड भी है, मैं वो एक बार पहन के टेस्ट करता हूँ, एक मिनट होल्ड करना। हेलो, हाँ अभी आवाज़ सुनाई दे रहा है ठीक से? हाँ, अरे ये नेक बैंड है। हाँ, रियलमी का ही है। हाँ खरीद लो बिंदास, बिल्कुल बिल्कुल, चलो फिर ठीक है, बात करते हैं। हाँ सो फ्रेंड्स, होपफुली आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता होगा राइट? और आप लोग फुल कंफ्यूज हो कि क्या खरीदें, नेक बैंड खरीदें या फिर ब्लूटूथ TWS खरीदें राइट? मेरे पास भी बहुत सारे सवाल थे, जिस सवाल का जवाब मुझे ठीक से कोई नहीं दिया, काफ़ी सारे वीडियोस देखा मैंने यूट्यूब पे, और फाइनली मैंने सोचा कि आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं क्लियर कट आपको बता सकूं मेरा एक्सपीरियंस नेकबैंड के साथ और मेरा एक्सपीरियंस TWS के साथ, क्योंकि ये दोनों जो है रियलमी का ब्रांड है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने ये ख़रीदा और आई थिंक 1.5-2 महीने के बाद, फुल यूज़ के बाद मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया, तो पूरा वीडियो देखना, डिटेल कंपैरिजन होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और यार। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो है ये तो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, ये मैं गजब कंपैरिजन करने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज था और मैं सोचा कि सबके लिए एक वीडियो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे एकदम लॉजिकल बात हो, नो बकवास, ठीक है? सो आज जो मैं आपके सामने शेयर करूँगा वो है रियलमी टेक लाइफ। आपने शायद देखा होगा इसे और काफ़ी वीडियो भी सुना होगा इसके बारे में, देखा भी होगा। और ये है रियलमी का नियो 2 वायर्ड हेडसेट, ठीक है? ये रियलमी का है और इसके 3 कलर्स आते हैं, ये ग्रीन है, ब्लू है और एक ब्लैक एंड येलो है, ये भी शायद आपने देखा ही होगा। तो अभी लॉजिक बात करते हैं, लॉजिक बात ये होता है कि कौन सा लें राइट, TWS लें या फिर नेकबैंड लें, और अगर लें तो किस ब्रांड का लें, करेक्ट? सो देखिए, अगर आपका बजट कम है आप कुछ भी लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अगर आपके पास बजट है 500 बढ़ा सकते हैं, 1000 के ऊपर अगर आप जा सकते हैं, आप दोनों रियलमी का ही लें, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि रियलमी ने मेरे को पैसे दिए, कोई पैसे वैसे नहीं दिए, मैंने खुद यूज़ किया है और मैं इसलिए आपको बता पा रहा हूँ कि रियलमी का लें, दूसरा कोई भी ब्रांड कंसिडर ना करें, क्योंकि मैंने वो यूज़ नहीं किया तो मुझे पता नहीं है, बट मैंने जो यूज़ किया है मैं उसे रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि ये ज़बरदस्त है, ये दोनों दोनों आइटम बहुत अच्छे हैं। अच्छा अभी आते हैं कि यूजेस, ठीक है? देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये ज़्यादा यूज़फुल है या ये ज़्यादा यूज़फुल है, भाई दोनों अपने अपने जगह पे यूज़फुल है, ठीक है? आप अगर ज़्यादा रोड पे ट्रैवल करते हो, ठीक है, आप बाइक चलाते हो, रोड पे ट्रैवल करते हो, सो आपके आप मतलब आप घर में, घर से काम नहीं कर पाते हो, आपको ट्रैवल करना पड़ता है, आप नेक बैंड के लिए जाइए, ठीक है? क्योंकि आप हमेशा कैरी नहीं करना होगा ना, आप ऐसे गले में लटका लोगे और ये कनेक्टेड रहेगा, और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये जब तक कनेक्टेड है फोन के साथ डिसकनेक्ट है, ये जैसे ही अलग हो जाएगा फोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, दिस इज द बेस्ट पार्ट। सेकेंड थिंग, ये आपके गले में लटका हुआ रहेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप अपना घूमो फिरो, ऐश करो, और जब कॉल आएगा कॉल रिसीव करो, और कॉल क्वालिटी बहुत अच्छा है इसका, मतलब ज़बरदस्त है, गाना वाना सुनना है, हैंड्स फ्री है यार ये, आपको ना गिरेगा ना गिरने का डर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेकेंड थिंग आते हैं ये TWS ईयरबड के ऊपर। सो ये आप अगर मान लो कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हो, घर के लिए, घर के पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, ये खरीद लो, क्योंकि ये कान से गिर के कहीं आपका खोने का डर नहीं रहेगा, और सबसे पहले बात ये वैसे गिरता भी नहीं है, अगर आप इसको खोल के कान में डाल भी लोगे, ठीक है, आप कितना भी मुंडी मुंडी हिला लो नहीं गिरेगा, लेकिन नेवर नोज, ठीक है, आप रोड पे जा रहे हो, रोड पे आपका डिस्ट्रैक्शन हो ही सकता है, अगर कान में गिर गया तो फिर गया वो, आप हमेशा जब भी इसको निकालोगे उसके बाद कान में ऐसे डालोगे, ठीक है,
तब तक रोड पे बहुत देर हो जाएगा, कॉल कट हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो होने के बाद फिर इसे खोलोगे, फिर ये डब्बा ये अंडे को लेके आप घूमो रोड के ऊपर, ये अंडे को कैरी करने के लिए एक भी एक केस आता है जिसमें फिर 200-250 रुपये का खर्चा करो, तो सब कुछ मिला के देखोगे तो ये 1500 से 2000 का खर्चा आएगा, ठीक है। और अगर एक भी खो गया तो बस ख़त्म, चैप्टर क्लोज, उसके बाद अब इसका कोई यूज़ नहीं है। ये बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसका यूज़ डिफरेंट वे में होता है। आप अगर घर में वीडियो एडिटिंग के लिए, क्योंकि मेरा जितना भी वीडियो एडिटिंग होता है मैं इससे करता हूँ, क्योंकि ये मुझे, मैं रात को करता हूँ तो ये मेरे को, ये अब रात को सो के करता हूँ तो ये कभी इधर फंस जाता है, कभी इधर फंस जाता है, ठीक है, तो फिर ये मैं नहीं यूज़ करता। जब रात को वीडियो एडिटिंग करता हूँ तो ये वाला मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि अपना कान में लगा लिया, अपना चुपचाप से मोबाइल में एडिटिंग किया, फिर हो गया, डाल के अपना बेड के पास ऐसे रख दिया, सिंपल। बट अगर मैं कभी बाहर जाता हूँ, बाहर सब्जी वब्जी खरीदने इधर उधर कहीं जाना ही पड़ता है, इसे गले में लटका लिया अपना, मस्त घूमो फिरो ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना गले में रहेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं और मेन कंपैरिजन यही है। और रियलमी मैंने इसलिए ख़रीदा क्योंकि मैं रियलमी का मोबाइल भी यूज़ करता हूँ और अभी तक इस ब्रांड ने मुझे सेटिस्फैक्शन ही दिया है और आई जस्ट लव दिस ब्रांड। सो आँख बंद करके मैंने बहुत सारे TWS के रिव्यूज़ देखे थे, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था लेना क्या है नहीं लेना क्या। इसका जो रिव्यू था ये अच्छा रेटिंग था तो मैंने सोचा कि चलो ये लेते हैं, अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर किस्मत की बात है, ठीक है। अब JBL 5-6 हज़ार वाला तो ले नहीं सकते, अब बहुत महंगा है, ठीक है, तो मिडिल रेंज में ये एक मुझे मिल गया था तो मैंने ये ले लिया, और ये वाला तो बहुत अच्छा है। सो अभी बिल्कुल ना देर करते हुए अभी चलते हैं, रिव्यू करते हैं इसका साउंड क्वालिटी, होपफुली आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद ना भी आए तो बताना, और ये दोनों में से किसका साउंड आपको अच्छा लगा वो भी मुझे प्लीज़ 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 कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे भी जानना है कि आपको क्या पसंद आ रहा है, ठीक है। मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, मुझे अच्छा लगा इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी अच्छा लगे, लेकिन आप बताना मुझे कि ये दोनों में से किसका साउंड क्वालिटी अच्छा है। तो चलिए अभी करते हैं साउंड टेस्ट। सो फ्रेंड्स, अभी जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो है रियलमी TWS बर्ड का, जो मेरे कान में लगा हुआ आपको दिख रहा होगा, और इसके साथ मैं अभी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं आप लोगों को कैसा सुनाई देगा, सो मैं इससे कॉलिंग करता हूँ, दोस्तों से बात करता हूँ, गाना सुनता हूँ, और इसमें मुझे रोड पे भी कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दिया, इसमें कोई लैग नहीं है, कुछ नहीं है। अगर 500-1000 का TWS आप खरीद सकते हो तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि ये जो रियलमी टेक लाइफ है ये आप खरीद सकते हो, और बिलीव मी अगला जो भी आपका कॉल सुनेगा वो कभी ये नहीं बोलेगा कि भाई आपका आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, इट इज़ प्रीटी मच क्लियर, और साउंड क्वालिटी तो ऑसम है, और इसका बिल्डअप क्वालिटी भी आपको दिख रहा होगा, इज़ वेरी 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 हार्डी, और इसका जो केस है वो भी बहुत खूबसूरत है, बिलीव मी टोटली, लाइक अगर मुझसे रेटिंग पूछा जाए तो मैं तो पूरा 5 out of 5 दे दूँ रियलमी को, और ये बहुत अच्छा TWS है दोनों कान का, बैटरी बैकअप जस्ट माइंड ब्लोइंग, नेक्स्ट लेवल बैटरी बैकअप है, तो विदाउट एनी सेकेंड थाट आप ये TWS खरीद सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस इज़ वेरी नाइस, गो फॉर इट, अगर ऑफ़र में मिलता है तो 1200-1300 में मिल जाएगा, और अगर ऑफ़र नहीं है इसके साथ तो कम से कम ये 1600-1650 में तो मिल ही जाएगा, बट नो कॉम्प्रोमाइज़, कोई अलग प्लान मत लो, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे कॉलिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है, कॉलिंग इज़ मैंडेटरी, क्योंकि कॉलिंग आप कितना गाना सुनोगे, कॉलिंग तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो कॉलिंग के लिए बेस्ट है, गाने के लिए बेस्ट है, कोई लैग नहीं होता, मैं अपने वीडियोस भी इसी से एडिट करता, सो जस्ट नेक्स्ट लेवल, थम्स अप। सो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने सेम लोकेशन पे कर रहा हूँ जहाँ पे मैं TWS का साउंड टेस्ट किया था, मैं बैलकुनी में हूँ इसलिए हूँ क्योंकि सामने से कुछ गाड़ी घोड़ा जाते रहता है, तो उसका भी आपको टेस्ट मिल जाएगा कि हल्के फुल्के नॉइज़ कैंसिलेशन इसमें होता है या नहीं होता है, तो होपफुली आपको ये साउंड भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये भी रियलमी का ब्रांड है और बहुत अच्छा है, मैं इसे भी 5 out of 5 देना चाहूँगा। इसका एक बेस्ट पार्ट यह है कि इसमें जो मैग्नेटिक ईयरबड है, आप अगर दोनों को सटा दोगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपके फ़ोन से, और जब भी आपका कॉल आएगा आप इसे जैसे ही डिस्कनेक्ट करके कान में डालोगे कॉल अटेंड हो जाएगा, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। और इस फंक्शन के लिए इसका जो बैटरी बैकअप है ये गज़ब बहुत दिन चलता है, क्योंकि आप हमेशा मान लो आप बाइक पे चला रहे हो, कार में चला रहे हो, तो इसे आप सटा के रख लो, ये डिस्कनेक्ट रहेगा तो ये फिर बैटरी खाएगा ही नहीं, बैटरी यूज़ ही नहीं होगा, जैसे ही आप अलग करोगे तब बैटरी यूज़ होगा, तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। ये किसी भी आप TWS ले लो या फिर आप टिकमैन ले लो, ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इस फैसिलिटी के लिए ये 5 out of 10 दे सकता हूँ मैं इसे,
ठीक है, तो जस्ट गो फॉर इट, बिना सोचे बिना समझे आप ये खरीद लो। हाँ एक चीज मैं बताऊंगी, इसका थोड़ा जो ये नेक बैंड है ये थोड़ा छोटा है कंपैरेटिवली टू दूसरे नेक बैंड है, बट ठीक है यार, ये कॉलर के अंदर ये बेसिकली इसलिए डिजाइन किया गया है कि जब आप टी शर्ट या कॉलर पहनोगे तो ये सीधा कॉलर के अंदर छुप जाएगा ताकि लोगों को दिखे ना। दैट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट, कि ये ना दिखे। ठीक है, कुछ कुछ होते इतने लंबे लंबे होते हैं जो कॉलर के बाहर भी इतने बड़े दिखाई देते हैं, सो मुझे उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपको भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप बिंदास जा सकते हो। साउंड क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी इज़ ऑसम। फ्रेंड्स, एक जो फीडबैक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं ये नेक बैंड से अपने दोस्तों को फ़ोन करता हूँ तो मुझे ये सुनने में आता है कि भाई पीछे से बहुत आवाज़ आ रहा है, तू कहाँ भीड़ में खड़ा है। तो इससे ये साफ पता चलता है कि ये बहुत अच्छा नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं करता है, लेकिन हाँ कॉल क्वालिटी इसका इतना अच्छा है कि चलो ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इसका माइक इतना स्ट्रांग है कि ये मतलब आजू बाजू का आवाज़ बहुत अच्छी तरीके से ले लेता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मैं कंपेयर करूँ दूसरे नेक बैंड के साथ तो ये मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, मैंने जितने भी रिव्यूज़ देखे हैं, वीडियोज़ देखे हैं, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा लगा, और मैग्नेटिक वाला जो फीचर्स है वो तो वन ऑफ द बेस्ट है। सो फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड टू घोष फॉर ऑल। बाय बाय।